हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैजान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। जैसे कि अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में, डेट इज रिलेटेड विद द सिंगली आरसीसी बीम सेक्शन। ओके, आज हम लोग इस सेशन में, इस वीडियो लेक्चर के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स का, जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स जो डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास जो बुक है वो डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर की है, अतुल प्रकाशन का ये बुक है। इसका जो हम क्वेश्चन है अनसॉल्वड एग्जांपल से हम लोग देखना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर टू की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर टू क्या कहता है, ए आरसी बीम रेक्टेंगुलर इन सेक्शन 300 mm by 500 mm इफेक्टिव इज सिंगली रिइंफोर्स्ड बाय फोर नंबर्स ऑफ 20 mm डायमीटर Fe 250 ग्रेड स्टील एंड M20 ग्रेड कॉन्क्रीट डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। यानी यहां पर आपको बेसिकली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी ये टाइप वन प्रॉब्लम की कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा इफेक्टिव साइज, यानी कि 300 ये आपका विथ हो गया और 500 जो हो गया वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई। ठीक है, अभी हम सब आपको दिखाएंगे। मैंने इसका क्रॉस सेक्शन भी यहां पर आप देख सकते हैं ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आप इजिली इससे समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 300 mm इसका क्या हो गया, विथ हो गया, और 500 mm इसका इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कहां से लेते हैं, एक्सट्रीम फाइबर से, यानी टॉप एक्सट्रीम फाइबर से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। और आपको क्या दिया, ये जो ग्रेड ऑफ द स्टील है Fe 250 दिया है, और जो कंक्रीट जो यूज किया है M20 ग्रेड का यूज किया है, और जो नंबर ऑफ बार्स आप देख रहे हैं 4 नंबर ऑफ बार्स यूज किए हैं और 20 mm डायमीटर ऑफ ईच। तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां से जो आप है गिवन डेटा से आप लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा जो हमको गिवन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। M20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट है, यानी आप FCK का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, डेट इज 20 N/mm². क्लियर है। और Fe 250 ग्रेड ऑफ द स्टील है तो आप यहां से यील्डिंग वैल्यू ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, डेट इज 250 N/mm² है। चार नंबर ऑफ स्टील से बार है और 20 mm डायमीटर वाला बार है। टोटल नंबर यानी कि टोटल ST की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करने चाहें तो क्या हो जाएगा, 4 × π/4 × डायमीटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट। तो डायमीटर कितना है, 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा, 400 × π कर लेते हैं, 400 × π की जो वैल्यू आएगी वो आ रहा है आपका 1256.64 ले लेते हैं mm², यानी यहां से आपने ST के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और यहां से देख सकते हैं आपका B का जो वैल्यू गिवन है वो 300 mm है, और जो इफेक्टिव डेप्थ है वो 500 mm ऑलरेडी आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्योंकि उसने बताया कि आपको इफेक्टिव साइज दिया, यानी कि आपका इफेक्टिव डेप्थ भी गिवन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो लिखेंगे कैलकुलेट एक्सयू लिमिटिंग, या इसको एक्सयू मैक्स भी कहते हैं। ठीक है, एक्सयू मैक्स लिख लेते हैं, कैलकुलेट एक्सयू मैक्स। और हम जानते हैं कि एक्सयू मैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सयू मैक्स फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला K × D होता है। और ये जो एक्सयू मैक्स है ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ द स्टील पे। तो ग्रेड ऑफ द स्टील आपको Fe 250 दिया है, तो इसका मतलब जो के का जो वैल्यू हो जाएगा 0.53 टाइम्स ऑफ द डी, यानी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.53 × D की जो वैल्यू है 500 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके इजिली एक्सयू मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 0.53 × 500, तो वैल्यू जो निकल कर आया आपका 265 mm। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्सयू मैक्स, जिसको एक्सयू लिमिटिंग भी कहते हैं, आपने एक्सयू मैक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया 265 mm। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के फाइंड आउट करेंगे और दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। चलिए स्टेप नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट और यू कैन से फाइंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहले ही डिस्कस कर चुका है एनालिसिस ऑफ बीम में, तो कैसे निकालते हैं, टोटल कंप्रेशन को आप टेंशन के इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो आप यहां से एक्सयू की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है 0.36 FCK B into XU is equal to 0.87 FY into AST। तो यहां से आप सब कुछ वैल्यू गिवन है, ST हमने कैलकुलेट कर लिया था, FY का वैल्यू गिवन है, XU निकालना है, B और FCK हमको गिवन है।
तो XU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87, FY आपका क्या हो जाएगा 250, और आपकी ST की वैल्यू कितनी थी 1256.64 हमने लिया था, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया था इतना आया था, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपको 0.36, FCK आपका है 20 और B की जो वैल्यू है आपको 300 गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो पॉइंट एट सेवन इंटू टू फिफ्टी इंटू 1256.64 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 20 इंटू 300। तो इसके जो वैल्यू निकल कर आए आपको देख लीजिए 126.54 ले लेते हैं, ये mm में आ जाएगा। और आपने जो XU मैक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, यानी कि ये जो वैल्यू है आपका ये XU का है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, स्टेप नंबर 4। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 में, कंपेयर XU एंड XU मैक्स, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बीच में कंपेयर करेंगे। तो यहां से देखिए आपकी जो XU की वैल्यू निकल कर आई थी अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया है 126.54 mm, ठीक है, और XU मैक्स आपने निकाला था फर्स्ट स्टेप में, दिस इज 265 mm, क्लियर है। तो अब इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि XU इज लेस देन XU मैक्स है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका जो सेक्शन है, यानी ये जो बीम आपको दिख रहा है ये आपका अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केस में जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, XU या XU मैक्स। अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केस में हम लोग XU ही यूज करेंगे, तो यूज XU फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यानी कि अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ अगर मूव करें और डायरेक्ट हम लोग यहां से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप दो साइड से निकाल सकते हैं, आइदर कंप्रेशन का यूज करके या टेंशन का यूज करके, ठीक है। यहां पर मैं अगर कंप्रेशन का यूज करके निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म, कंप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0.36 FCK B। अब यहां पर देखिए XU यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्रेशन, इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या हो जाएगा D माइनस 0.42 इनटू XU, वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा कितना 0.36, FCK आपका 20 है, B की वैल्यू 300 है, बी की वैल्यू 300 है, और XU जो है आपका, XU आपने निकाला 126.54, ठीक है, ये हो गया कंप्रेशन आई इनटू लीवर आर्म। तो D का जो वैल्यू है आपको गिवन है 500 माइनस 0.42 और इनटू XU, XU बोले तो 126.54। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है, 500 माइनस 0.42 और इनटू 126.54 और इनटू हो जाएगा आपको 126.54 इनटू 300 इनटू 20 इनटू 0.36, और ये हो गया आपकी वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल कर आई है देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका जो इसका एकम यानी इसका जो यूनिट होगा आपको न्यूटन एमएम में होगा, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन मीटर में, तो 10^6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 10^6, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ 122. हम ले लेते हैं 14, ठीक है। यहां से जो आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, वो कितना हो जाएगा 122.14, और एकम हो जाएगा इसका किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, यही बेसिकली क्वेश्चन में पूछा था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं, अनसॉल्वड एग्जांपल है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम 320 mm वाइड एंड 560 mm इज रिइंफोर्स्ड विद फोर नंबर्स ऑफ 22 mm डायमीटर ऑफ द बार एट एन इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm, यानी देख ले सकते हैं आप यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम बनाया है, 320 mm वाइड है और 560 mm उसका क्या है ग्रॉस डेप्थ है, इसमें से 40 mm का इफेक्टिव कवर है, तो ये इफेक्टिव डेप्थ आपका कितना निकलेगा, इसमें से 40 माइनस कर दीजिए 520 mm का निकल गया, और ये क्या बोल रहा है,
चार नंबर ऑफ 22 mm, यानी कि ये चार बार है और 22 mm इसका डायमीटर है। क्लियर है? और क्या बोल रहा है, डिटरमाइन सुपर इम्पोज लोड, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है, ये तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है, यानी बीम के ऊपर जो सुपर इम्पोज लोड आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, यानी कि द बीम कैन कैरी इफ इट इज सपोर्टेड ऑन 6.4 मीटर लेंथ, यानी कि आपका जो लेंथ दिया हुआ है, स्पैन दिया हुआ है आपका 6.4 मीटर का है, ठीक है। टेक M15, यानी ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट आपको M15 है और जो ग्रेड ऑफ द स्टील है आपको Fe250 दिया है। तो यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली आपको सुपर इम्पोज लोड कितना लग रहा है इस मेरे बीम के ऊपर, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है उसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। जैसे कि आपका ये M15 ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट है, यानी कि FCK का वैल्यू जो हो वो 15 N/mm² हो जाएगा, और Fe250 है तो FY की जो वैल्यू निकल कर आएगी 250 N/mm² है। और यहां से आप AST के वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज 4 × π/4 × 22² कैलकुलेटर 4 कट जाएगा, π × 22² यानी कि 484 हो जाएगा, और × π कर देते हैं तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आ रहा है डेट इज 1520.53 ले लेते हैं mm². यहां से आपने एरिया ऑफ द स्टील को कैलकुलेट कर लिया और आपका लेंथ की वैल्यू भी गिवन है, यानी स्पैन ऑफ द बीम 6.4 मीटर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, यानी कि हमको बेसिकली सुपर इम्पोज लोड निकालना है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि इस बीम की कितनी कैपेसिटी है, जो भी लोड आ रहा है लोड की वजह से जो इसमें मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो सकता है, यानी इसके जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। तो स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे कि हम इसके मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कैलकुलेट एक्सयू मैक्स, या इसको एक्सयू लिमिटिंग भी कहते हैं। तो स्टेप नंबर वन में हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सयू मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका K × D होता है, यानी कि 0. यहां पर Fe250 ग्रेड ऑफ द स्टील दिया है तो कितना हो जाएगा, 0.53 टाइम्स ऑफ द डी, ठीक है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट आपको Fe250 गिवन है, तो 0.53 और डी का जो वैल्यू गिवन है, यानी गिवन नहीं है, आपको ग्रॉस डेप्थ दिया हुआ था, तो आप इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इफेक्टिव कवर दिया हुआ है, तो ग्रॉस डेप्थ में से आप इफेक्टिव कवर घटाएंगे तो आपको 520 आ जाएगा, तो × 520 आप लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपको एक्सयू मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी 0.53 × 520, तो जो वैल्यू निकल कर आ रहा है आपका 275.6 mm आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू में मूव करेंगे, जहां पर आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर टू में देख लेते हैं क्या है, आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग XU से डिनोट करते हैं, तो कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप XU निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, 0.87 FY × AST डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.36 FCK × B। सारा वैल्यू गिवन है, AST हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, निकाल लेते हैं 0.87 FY, यानी कि आपको कितना दिया है 250, और ST का जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना आया था, ST का वैल्यू कैलकुलेट किया था कितना आया था, 1520.53 आया था, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 0.36, और FCK आपका 15 दिया, याद रखिए, और B का जो वैल्यू आपको 320 ऑलरेडी गिवन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0.87 × FA यानी कि 250 और × AST 1520.53 है, डिवाइडेड बाय 0.36 × 15 और × 320, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका 191.38 ले लेते हैं mm में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं। तो स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करते थे, XU और XU मैक्स के बीच में कंपेयर करते थे, यानी कि कंपेयर कीजिए आप XU एंड XU मैक्स, क्लियर है। कंपेयर करने से हमको पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमको
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज करना है या एक्सिस मैक्स की वैल्यू यूज करना है। और इससे यह भी पता चल जाता है कि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर इन्फोर्स है, ओवर इन्फोर्स है या बैलेंस सेक्शन है। तो चलिए देख सकते हैं आप, एक्सयू की वैल्यू आपको 191.38 है और एक्सयू मैक्स आपने कितना निकाला था। एक्सयू मैक्स की वैल्यू जो निकल कर आई थी आपकी 275.6 mm, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि एक्सयू की वैल्यू है वो कम है एक्सयू मैक्स से, यानी आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक्सयू इज लेस देन एक्सयू मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेक्शन है वो अंडर रिन्फोर्स सेक्शन है। और यहां से जो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आप यूज करेंगे एक्सयू की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कंप्रेशन वाला साइड का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके निकाल देते हैं, यानी कंप्रेशन इनटू लीवर आर। कंप्रेशन क्या हो जाएगा, 0.36 FCK बी इंटू 0.36 FCK बी इंटू, आप यहां पे लिखेंगे एक्सयू की वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि आप एक्सयू की वैल्यू लेस देन था, और इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना हो जाएगा, डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू। सब वैल्यू प्रोडक्ट कर दीजिए, 0.36 FCK आपका 15 दिया है, ठीक है, और इंटू बी की वैल्यू आपको 320 गिवन है, और एक्सयू आपने कितना कैलकुलेट किया था, 191.38। ये हो गया आपका कॉम्प्रेशन के वैल्यू, और इंटू लीवर आर्म डी का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है 520, और माइनस 0.42 इंटू एक्सयू यानी कि 191.38। फाइंड आउट कर लीजिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा 520 माइनस 0.42 इंटू 191.38 और इंटू हो जाएगा आपका 191.38 इंटू 320 इंटू 15 इंटू 0.36, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, लेकिन इसका जो एक यूनिट है वो आपका न्यूटन एमएम में है, तो इसको हम किलोन्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^6 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा आपके लिए, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है 145.38 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन हमको अभी भी यहां पर सॉल्यूशन नहीं है, हमको सुपर इम्पोज लोड लगा निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, जो भी ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो अब हम इसको मान के चलेंगे कि जितने भी लोड आ रहे थे इस लोड की वजह से इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस हुआ ये हुआ, तो यानी कि यही वैल्यू को हम लोग इक्वेट कर देंगे फैक्टर्ड मोमेंट के। तो फैक्टर्ड मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यही आपका जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल कर आया, ये हो जाएगा 145.38 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसी मोमेंट को, इसी फैक्टर्ड मोमेंट को हम लोग अज्यूम करते हुए लोड निकालेंगे, ठीक है। अब ये इस कंडीशन में जो लोड निकलेगा ना वो आपका फैक्टर्ड लोड होगा, यानी उसको हम कहते हैं एक तरह से डिजाइन लोड। अब इस डिजाइन लोड को फिर हम सर्विस लोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिजाइन लोड को हम कैसे निकालते हैं, जो सर्विस लोड आता है उसमें हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड लगाते हैं, डेट इज जनरली हम 1.5 लेते हैं। तो इसलिए जब हम सर्विस लोड निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इससे जो लोड आएगा डेट इज फैक्टर लोड, उसमें डिवाइड कर देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड के लिए से 1.5 से, तो आपका सर्विस लोड निकल जाएगा। लेकिन वो जो लोड निकलेगा ना तो वो भी सुपर इम्पोज लोड नहीं होगा, इस बीम का सेल्फ वेट और प्लस सुपर इम्पोज लोड होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोड कैलकुलेशन के लिए। तो आपने जो एमयू है, एमयू का जो वैल्यू फाइंड आउट किया आपने, यानी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के केस में था 145.38 किलो न्यूटन मीटर निकाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी मोमेंट को यूज करते हुए टोटल लोड के लिए निकालते हैं, यानी कि अगर ये जो मोमेंट है इसको मानते हुए चले और मेरा जो बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस कंडीशन में अगर हमको मोमेंट निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाय 8 निकालते हैं, क्लियर है। आप एमयू निकाल चुके हैं, डब्ल्यू यू आपको फाइंड आउट करना है, एल का वैल्यू आपको गिवन ऑलरेडी। चलिए निकालते हैं, यहां पर देखिए आप यही लिख लीजिए 145.38 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको डब्ल्यू यू और इंटू एल, एल यानी कि 6.4 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो यहां से आप डब्ल्यू यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 145.38 इंटू 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय
6.4 का स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी आपके लिए, जो टोटल फैक्टर लोड है वो होगा आपका 28.39 ले लेते हैं, और इसका जो एकम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर लोड ये निकल कर आया, ये क्या है बेसिकली फैक्टर लोड, या इसको हम डिजाइन लोड भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें इंक्लूडेड अभी हम बात करते हैं, तो इस फैक्टर लोड को हम लोग क्या करेंगे सर्विस लोड में, या जिसको कहते हैं वर्किंग लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हमको वर्किंग लोड निकालना है तो क्या करते हैं, वर्किंग लोड इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी, तो वर्किंग लोड अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी आपका, ये हो जाएगा आपका फैक्टर लोड, यानी इसको आप डिजाइन लोड भी कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आप पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर फॉर डिजाइन से अगर डिवाइड कर दें, यानी इस फैक्टर लोड को आप क्या कर रहे हैं पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर फॉर लोड से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको वर्किंग लोड निकल जाएगा। तो फैक्टर लोड जो आपको आया है टोटल 28.39 किलोमीटर पर मीटर आया है, और लोड के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं डेट इज 1.5। तो देखिए आपका वैल्यू कितना निकल कर आता है, 28.39 आपने लिया, डिवाइड कर दीजिए 1.5 से, तो वैल्यू जो निकल कर आएगा 18.93 ले लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? लेकिन आप यहां पर ये वर्किंग जो लोड निकाले हैं, अब इसमें हम ये टोटल लोड आ रहा है, यानी इसका सेल्फ वेट भी है, यानी कि इस बीम का अब क्या है सेल्फ वेट भी है, जिसको हम डेड लोड भी कहेंगे, और प्लस साथ साथ में आपका इम्पोज लोड भी है, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इम्पोज लोड हम निकालेंगे कैसे, जब आप सेल्फ वेट ऑफ द बीम को यहां इससे डिडक्ट करेंगे तो आपको इजिली इम्पोज लोड निकल जाएगा ना। तो चलिए देखिए, आपका जो डिजाइन लोड सॉरी आपका जो वर्किंग लोड था, ठीक है, जो आपका वर्किंग लोड था जिसको हम सर्विस लोड भी कह रहे हैं, तो ये किससे किससे मिलकर बना आपका, एक तो हो गया आपका सेल्फ वेट ऑफ द बीम से, और साथ साथ में जो इम्पोज लोड आ रहा है वो से। वर्किंग लोड का जो वैल्यू थी आपने कितना कैलकुलेट किया था, 18.93 किलोन्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेल्फ वेट प्लस इम्पोज लोड। तो हम सेल्फ वेट ऑफ द बीम निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे देखिए, सेल्फ वेट ऑफ द बीम अगर निकालना है फोर पर मीटर ऑफ लेंथ, तो आप क्या करेंगे इस क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके यूनिट वेट में, यानी कि आप कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, इसका एरिया निकले क्रॉस सेक्शन, तो ये हो जाएगा 0.32 मीटर, और इनटू ये ग्रॉस डेप्थ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.56, ये एरिया हो गया। अगर हम कंक्रीट के यानी आरसीसी के 25 किलोमीटर पर मीटर क्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये स्पेसिफिक वेट ऑफ द कंक्रीट है, तो इसके जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, 0.32 इंटू 0.56 जो आप करेंगे और इंटू कर दीजिए 25, तो आपका न्यूटन निकल कर आएगा वैल्यू 4.48, ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? अब आप क्या करने वाले हैं कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम निकाल दिए आपने, ये वैल्यू गिवन है, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग इजिली इम्पोज लोड निकालेंगे। तो इम्पोज लोड क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा, यानी कि आप क्या करेंगे 18.93 में से 4.48 को डिडक्ट कर देंगे। देखिए 18.93 और माइनस 4.48 जो आपको वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज 14.45 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इतना आपका इम्पोज लोड लग रहा है, ठीक है, बीम के ऊपर जो वैल्यू आ रही है इम्पोज लोड की, जो हमने इस फॉर्मूला से डिडक्ट कैलकुलेट किया है, डिड्यूस किया है, दैट इज 14.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा डिजाइन वाला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन डिजाइन वाला सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 में क्या कर रहा है कि डिजाइन ए सिंगली रिइंफोर्स रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन फॉर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। देखिए याद रखिए, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दिया आपको 150 किलो न्यूटन मीटर का, यूज कॉन्क्रीट M50 ग्रेड, यानी ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट गिवन है, एंड स्टील Fe250 ग्रेड, इफेक्टिव डेप्थ टू विथ रेशियो, यानी आपको DYB का रेशियो दिया हुआ है 2, चेक फॉर शेयर एंड डिफ्लेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहां पर आपको शेयर और डिफ्लेक्शन का चेक नहीं करना है, ठीक है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस डिजाइन वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा जो डेटा है, जो गिवन डेटा है, वो हम लिख लेते हैं। देखिए, हमको सिंगल आपको सबसे पहले क्या दिया है, फैक्टर्ड मोमेंट यानी एमयू का वैल्यू दिया हुआ है आपको 150 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन एमएम में, तो 150 इंटू 10 टू डी पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन एमएम में, क्लियर है। और आपको दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको गिवन है M20। तो यहां से आप FCK का वैल्यू देख लेते हैं, ये हो जाएगा 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर है। और आपको साथ ही भी दिया हुआ है ग्रेड ऑफ, सॉरी यहां पर आपको जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट M15 है, ठीक है। तो आप M15 ही लेके चलिए, तो FCK का वैल्यू आ जाएगा 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब आपको ग्रेड ऑफ स्टील भी आपको गिवन है, दैट इज Fe 250। तो यहां से आप FY के वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर है। और कुछ दिया हुआ है, हाँ आपको क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ टू विथ रेशियो, यानी कि ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया और विथ रेशियो हो गया, ये आपको 2 गिवन है। तो यहां से आप D का वैल्यू B के टर्म कैसे निकालेंगे, 2B हो गया, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको गिवन है, अब हम प्रोसीड करते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। देखिए, आपके क्वेश्चन में इतने ही डेटा गिवन है, तो इसको प्रोसीड करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एमयू की जो वैल्यू आई थी ना, ये जो आपको फैक्टर्ड मोमेंट दिया हुआ है, इसको हम लोग एमयू लिमिटिंग के बराबर कर देंगे, यानी इसको हम एमयू लिमिटिंग मानकर अगर हम डिजाइन करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि एमयू लिमिटिंग किसके लिए होता है, आपको बैलेंस सेक्शन के लिए होता है, यानी आपका कॉन्क्रीट और स्टील दोनों अपने यील्डिंग वैल्यू को अचीव कर लिए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग एमयू लिमिटिंग निकाल देते हैं। तो अगर एमयू लिमिटिंग अगर आप इसको मान रहे हैं, तो आपका जो सेक्शन होगा, जो डिजाइन ऑफ द सेक्शन होगा, वो बैलेंस्ड सेक्शन होगा, है ना। इट मीन्स आप यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हम लोग जो डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि डिजाइन द बीम कंसिडरिंग बैलेंस्ड सेक्शन, क्लियर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपका एमयू है वो एमयू लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, और हम जानते हैं एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला Q FCK B × D², क्लियर है ना। तो यहां से देखिए, आप डी को बी के फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए हैं, तो आप यहां से बी को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जो एमयू लिमिटिंग की वैल्यू है वो मैं पुट कर देता हूं, एमयू के बराबर मैंने अब मान लिया, क्योंकि बैलेंस सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, तो 150 × 10⁻⁶। अच्छा हाँ, यहां पर देखिए Q FCK BD², तो क्यू का वैल्यू ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ द स्टील आपका Fe 250 है, तो आपको क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.148, तो हो जाएगा 0.148, और FCK आपको 15 गिवन है। देखिए, D = 2B है, तो B आप रहने देंगे, और D का स्क्वायर यानी कि 2B का स्क्वायर यानी कि 4B का स्क्वायर, तो ये आपको जो वैल्यू हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 4B³ हो जाएगा, है ना। सारा डेटा गिवन है आपको, B यहां से इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप B निकालना चाहेंगे, तो B = क्या हो जाएगा, देखिए 150 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.148 × 15 × 4 हो जाएगा, और क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, 150 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.148 × 15 × 4, और इसका क्यूब रूट यानी 2⁻ अगर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। जो वैल्यू निकल कर आ रही है आपकी, देखिए ये जो वैल्यू आपका निकल कर आ रहा है 256.58 है, जो वैल्यू निकल कर आया आपका 256.58 है। तो हम लोग इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 260 mm कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि 260 mm इसको मान लिया, तो आपके जो D की जो वैल्यू निकल कर आएगी, देखिए, तो यहां से आप क्या करेंगे, D का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, तो D = क्या है, 2B है, यानी कि 2 × 260 करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 520 mm का, ठीक है।
देखिए यहाँ पर मेरे डिजाइन क्या था बैलेंस सेशन को मान के जो बी का जो वैल्यू इतना आया था तो मैंने इसको क्या किया थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा लिया और जो डी का वैल्यू है 520 आया। यानी कि अगर बैलेंस सेक्शन के केस में अगर आप बी और डी की बात करेंगे और यहां पर जो मैं वैल्यू ले रहा हूं ये रिस्पेक्ट कंपेरेटिवली अगर बात करें तो ज्यादा है। अगर आप ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब अगर आप एमयू लिमिटिंग इस वैल्यू को मान के चल रहे हैं यानी कि 260 और 520 एमएम का तो एमयू की लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी ज्यादा आ जाएगी एक्सीड कर जाएगी एमयू से तो हमारा जो सेक्शन क्या हो जाएगा अब अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो हम तो वही तो चाहते हैं कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन करें। तो मेरा अगर हम इस वैल्यू को एक्सीड कर लेते हैं तो एमयू लिमिटिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी जो कि मेरा एमयू से यानी जो इस पे लोड आ रहा था उससे एक्सीड कर गया यानी मेरा जो बीम होगा अब वो क्या हो जाएगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा तो इट विल बी बेटर। देखिए आपने जो फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जो बी की वैल्यू जो निकल कर आई आपके लिए वो हो गया 260 mm और जो डी का जो वैल्यू है इन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू एसी का डबल था तो 520 mm हो गया। तो अगर हम ग्रॉस डेप्थ की बात करें तो ग्रॉस डेप्थ क्या हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। तो हम यहां पर अज्यूम कर ले रहे हैं जनरली चलो इसमें अज्यूम कर लेते हैं हम 30 mm का। तो अगर आपका 520 इफेक्टिव डेप्थ है और इफेक्टिव कवर अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं 30 mm का तो इस केस में आपका जो ग्रॉस डेप्थ निकल कर आएगा वो 550 mm का हो जाएगा। ठीक है नॉमिनल कवर या क्लियर कवर की बात करें तो जनरली भी में हम लोग 25 mm का पुट करते हैं। तो यहां पर मैंने ऐसे रफली आइडिया ले लिया है 30 mm का। यहां पर आपको स्टेप्स बेसिकली समझना है कि हम डिजाइन का पार्ट कैसे कंसिडर करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है चलिए आपने यहां से डायमेंशन ऑफ द बीम को फाइंड आउट कर लिया अब बारी आती है कैलकुलेट करेंगे हम एसटी की वैल्यू को। देखिए यहां पर अगर आप एसटी के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास टू ऑप्शन है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द एसटी। फर्स्ट वन क्या है कि जो आप क्योंकि आप मान के क्या चल रहे हैं कि बैलेंस सेक्शन के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं यानी आप जो फैक्टर्ड मोमेंट था उसको आप इक्वेट कर रहे थे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है तो अगर यही जो मोमेंट है इस मोमेंट को अगर हम टेंशन वाले फोर्स से निकालना चाहे उसके बराबर इक्वेट कर दें यानी कि टी इंटू लीवर आर्म कर रहे हैं टी का वैल्यू क्या हो जाएगा या लीवर आर्म सॉरी टेंशन का 0.87 FY इंटू एस टी हो जाएगा ना और लीवर आर्म में क्या हो जाएगा आपका डी माइनस 0.42। अच्छा अब यहां पर हम एक्सयू पुट करेंगे कि एक्सयू लिमिटिंग आप यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं पुट करूंगा एक्सयू लिमिटिंग या जिसको हम एक्सयू मैक्स भी कहते हैं। क्यों करेंगे क्योंकि आपने जो डिजाइन ऑफ द बीम को कंसीडर कर लिया है कि आप बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो बैलेंस सेक्शन के केस में जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालते हैं तो जहां जहां एक्सयू होता है वहां पर एक्सयू लिमिटिंग पुट करते हैं। तो इसलिए हम लोग टेंशन के केस में भी यहां पर भी एक्सयू लिमिटिंग पुट किए और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ये एक्चुअली एमयू लिमिटिंग है और बैलेंस सेक्शन मान के चल रहे हैं इसका मतलब कि जो आपका लोड आ रहा था उतना ही को हम लोग एमयू लिमिटिंग सॉरी जो मोमेंट आपको दिया हुआ था उतना ही को एमयू लिमिटिंग मैंने कंसीडर करते हुए इसको डिजाइन किया है। तो इस कंडीशन में सब कुछ गिवन है एक्सयू लिमिटिंग आप इजीली निकाल सकते हैं ये ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है। तो ग्रेड ऑफ द स्टील आपका कितना गिवन था एफ 250 था तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.53 टाइम्स ऑफ द डी हो जाता है। सब कुछ आप दिया हुआ था क्योंकि डी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो आप सिर्फ एसटी फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से इजिली। तो चलिए करते हैं यहां पर देखिए एमयू का जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 150 किलोमीटर मीटर यानी 150 इंटू 10^6 न्यूटन mm 0.87 FY 250 ग्रेड ऑफ द और आपको AST ही तो फाइंड आउट करना है और D का वैल्यू आपने 520 यहां से कैलकुलेट किया हुआ है माइनस ऑफ 0.42। अच्छा एक्सयू लिमिटिंग क्या हो जाएगा K इंटू डी हो जाएगा ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ द स्टील आपका 250 है तो ये हो जाएगा आपका एक्सयू लिमिटिंग 0.53 इंटू डी और डी का वैल्यू 520 है। तो यहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं AST के वैल्यू। ठीक है तो चलिए कैलकुलेट करते हैं देखिए 520 माइनस 0.42 इंटू 0.53 इंटू 520। ठीक है ये वैल्यू कैलकुलेट किए ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी कि हम करना चाहते हैं 150 इंटू 10^6 और डिवाइडेड बाय दिस आंसर ये आ गया और फिर इतना पोर्शन भी डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.87 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है तो यहां से जो वैल्यू आपका निकल कर आ रहा है एसटी का तो ये हो गया आपको 1706 mm².
ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ जहां से आप एएसटी की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका है जो हमने डिस्कस किया था एएसटी का, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एएसटी इज इक्वल टू, चलिए उसके तरफ मूव करते हैं। यहां से याद रखिएगा जो वैल्यू निकल कर आया था 1706 एमएम स्क्वायर, उस फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एएसटी की वैल्यू को। देखिए वो जो एएसटी का फॉर्मूला वो क्या है, 0.5 एफ सी के डिवाइडेड बाय एफ वाई इंटू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 एम यू डिवाइडेड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर और इंटू बी इंटू डी। जो जो वैल्यू सपोर्ट अप कीजिए तो हो जाएगा 0.5 एफ सी के, कितना है आपको कौन सा ग्रेड होता है, कॉन्क्रीट दिया था 15 ग्रेड का, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 250 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6। यहां पर एमयू का वैल्यू इंटू 10^6 पुट करेंगे और डिवाइडेड एफ सी के यानी कि 15 बी का वैल्यू, तो आपने बी का वैल्यू कितना निकाला था 260 याद है, और जो डी का वैल्यू था उसका डबल हो गया था दैट इज 520 का स्क्वायर और इंटू बी इंटू डी, बी का वैल्यू अभी लिखा आपने 260 और इंटू 520। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 4.6 इंटू 150 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवाइडेड बाय 15 इंटू 260 इंटू 520 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस आंसर, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट, फिर 1 माइनस दिस आंसर, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते जाना इंटू 15 इंटू 0.5 इंटू 260 इंटू 520 और डिवाइडेड बाय 250। देखिए यहां से जो वैल्यू आपके निकल कर आ रही है 1671.22 एमएम स्क्वायर, और जो आपने प्रीवियस फार्मूला से जो कैलकुलेट किया था एसटी के वैल्यू एमयू लिमिटिंग का वैल्यू पुट करके वो आपको आया था 1706 एमएम स्क्वायर, ठीक है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है तो आप यहां से लेके चल सकते हैं, चलिए यहां से आप लेके चल सकते हैं, चलिए 1700 एमएम स्क्वायर का आप एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने डिजाइन किया यानी बी को वैल्यू को निकाला जो आपको 260 एमएम निकल कर आया, आपने डी को कैलकुलेट किया जो इसका डबल था, गिवन था क्वेश्चन में आपको 520 एमएम का, आपने इफेक्टिव कवर 30 का लेते हुए ग्रॉस डेप्थ आपने 550 मान लिया, ठीक है, और आपने एरिया ऑफ द स्टील को यहां से लेकर चला 1700 एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो ये था बेसिकली डिजाइन का पार्ट, आप ये इसको भी लेकर चल सकते हैं 1670 या 1700, तो मैंने यहाँ पर रफली आइडिया देखा। बेसिकली यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किया था कि आप डिजाइन के प्रोसेस में किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, यानी कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द दैट इज द डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द सिंगल आरसीसी बीम, ठीक है। चलिए आप एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये बेसिकली कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है यानी कि गेट 2018 में ये पूछा था क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि सिंगली रिइंफोर्स बीम सेक्शन अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, यानी कि आपको जो डिजाइन वाला जो पार्ट दिया है कि आपको सिंगली रिइंफोर्स बीम सेक्शन दिया है लेकिन वो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, याद रखिएगा अंडर रिइंफोर्स सेक्शन है, यानी कि आपको क्या हो जाएगा इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि जो एक्सयू के जो वैल्यू है वो लेस देन एक्सयू लिमिटिंग यानी एक्सयू मैक्स होगा। आपको डायमेंशन ऑफ द बीम दिया हुआ है, बी की वैल्यू यानी विथ ऑफ द बीम दिया हुआ, इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू दिया है 400 mm, और जो जो सरिये जो रिइंफोर्समेंट बार्स जो यूज कर रहे हैं वो भी आपको गिवन है 16 mm का, ठीक है, और आपको दे दिया ग्रेड द स्टील एफ 500 दिया है और ग्रेड ऑफ द कंक्रीट आपको दिया हुआ M25 का, लेकिन क्वेश्चन में देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स कितना यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बार्स जो निकालेंगे ना वो पहले हम एरिया ऑफ द स्टील को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां पर जो एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट करेंगे हम बैलेंस सेक्शन के लिए करेंगे, तो जो भी बैलेंस सेक्शन के लिए मेरा एरिया ऑफ द स्टील निकल कर आएगा उससे थोड़ा सा कम अगर हम एरिया ऑफ द स्टील यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बीम है वो अंडर रिइंफोर्स सेक्शन हो जाएगा ना, तो चलिए उसे ट्रिक का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ बार्स फॉर द बैलेंस सेक्शन, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बार्स अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन करेंगे, देखिए सोल्यूशन वाले पार्ट में मूव कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो कंप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्सयू होता है, लेकिन हम क्या बोले बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो बी इंटू यहां पर हम एक्सयू लिमिटिंग पुश कर देंगे,
और टेंशन जो है आपका वही है 0.87 FY और इनटू AST। तो यहां से आप AST इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो यहां से आप AST निकाल लीजिए। तो AST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 0.36। और FCK का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 25 गिवन है, यानी कि यहां से आप FCK का वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 है। और जो B का वैल्यू आपको गिवन है 300 mm। और XU लिमिटिंग कितना हो जाएगा, K×D होता है ना, तो यहां पर देखिए ग्रेड ऑफ द सील Fe 500 है, तो आपको XU लिमिटिंग का जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 0.46×D, और D का वैल्यू आपको 400 है। तो ये हो गया कॉम्प्रेशन वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा 0.87 और इनटू FY यानी कि 500। तो यहां से आप क्या करेंगे, AST का वैल्यू जो निकालेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन एक्स लिमिटिंग बैठा है, तो इस कंडीशन में जो ST का जो वैल्यू आएगा वो बैलेंस सेक्शन के लिए आएगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.36 इंटू 25 इंटू 300 इंटू 0.46 और इंटू 400, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.87 और फिर डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, 1142.06। ये किस में आ रहा है, mm स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये जो ST का जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, ये बैलेंस सेक्शन के लिए किया है। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ बार्स निकालना चाहें, तो यह नंबर ऑफ बार्स किस लिए निकलेगा, बैलेंस सेक्शन के लिए निकलेगा। चलिए निकाल देते हैं, तो नंबर ऑफ बार्स इस कंडीशन में जो हम निकाल रहे हैं वो हो जाएगा क्या, AST और डिवाइडेड बाय AST, यानी कि ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय एक बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हो जाएगा आपका 1142.06 और डिवाइडेड बाय AST, ये हो जाएगा पाई बाय 4 और इनटू 16 का स्क्वायर, क्योंकि आपको डायमीटर ऑफ द बार 16 लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू आई थी 1142.06 और ये चला जाएगा ऊपर 4 और डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 256 और डिवाइडेड बाय पाई, तो जो वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है वो हो रहा है आपका 5.68 बार्स, ठीक है। तो 5.68 बार्स अगर आप पुट करेंगे, तो ध्यान रखिए कि आपका जो सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन रहेगा, ठीक है ना जी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बार्स अगर हम पुट कर रहे, इससे अगर नंबर ऑफ बार्स कम पुट करते हैं तो मेरा जो सेक्शन अंडर इनफोर्स सेक्शन हो जाएगा, यही तो पूछा था, अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन कीजिए। तो नंबर ऑफ बार्स 4, यानी यहां पर आप लिखना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स किस केस में, अंडर इनफोर्स सेक्शन के केस में, ये सारा आपको डेटा गिवन था उस कंडीशन में। तो इतना नंबर ऑफ बार्स जो निकल कर आया है उससे अगर हम एक कम कर देंगे, यानी सॉरी एक नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर हम कम करते हैं तो मेरा अंडर इनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तो क्या हो जाएगा, हम 5 पुट कर लेते हैं, 5 बार्स। अगर आप 5 बार्स पुट कर रहे हैं, यानी कि आप बैलेंस सेक्शन के कंपेयर में नंबर ऑफ बार्स कम पुट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका जो सेक्शन बनेगा वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स कितना निकल कर आया, 5, किसके लिए, फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, और जो भी डेटा गिवन थे उसके अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।